हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोमेश कुमार सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सिस कॉलेजेस कानपुर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी, उसका पार्ट टू लेके हम लोग आए हैं। इस पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें, जो पहली चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन और दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। उसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या है कि जब दो स्मॉल न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई है ना, और ये क्या कर रहे हैं, मूविंग वेरी हाई स्पीड एंड फ्यूज टुगेदर, ये दोनों मिलके फ्यूज़ हो जा रहे हैं, और फ्यूज़ होने पर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इस प्रोसेस में खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिक क्या है इसका कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं, फास्ट वेलोसिटी से कुलिजन करते हैं और एक नया न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इस प्रोसेस में खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम लोग डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो नॉर्मली अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, दो ड्यूट्रॉन हैं, ठीक, ये 1H2 1H2, ये आपस में फ्यूज़ हुए, कोलाइड हुए और फिर बने एक नया न्यूक्लियस बने, ठीक, और 4 MeV एनर्जी निकली, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, नाभिकीय संलयन, ठीक। ये जो नाभिकीय संलयन है ये बेसिकली सन पे होता है। तो हम लोग देख रहे हैं डिफ़िकल्टी इन न्यूक्लियर फ्यूज़न है, क्या डिफ़िकल्टी है कि इसको हम अर्थ पे करा सकते हैं कि नहीं, इवन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जो न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय विखंडन है, उसके कंपेरिजन में इसमें काफ़ी एनर्जी निकलती है। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये प्रोसेस क्यों पॉसिबल नहीं है अर्थ पर, तो है क्या कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर हमको करना क्या है कि बहुत ही लाइट जो न्यूक्लियाई हैं उनको आपस में इंटरेक्ट कराना है, और फिर दोनों जो वो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब जो पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अब उनको हमें कोलिजन कराना है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, और ये जो प्रेशर और एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी लगभग 1 MeV के बराबर होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर अगर हम लोग अर्थ पे करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें एक्सप्लोडिंग करनी पड़ेगी। किसकी एक्सप्लोडिंग, एक न्यूक्लियर फिजन बम की। पहले हम एक न्यूक्लियर बम बनाएं और उससे विस्फोट कराएं, और फिर क्या हो कि उस बम से इतनी एनर्जी निकले और वो एनर्जी का जो टेम्परेचर है वो कितना हो, 10^8 केल्विन। अब ये जो 10^8 केल्विन टेम्परेचर है ये सन और स्टार्स में होता है, है ना। जो सन है वो बहुत साइज में बहुत बड़ा है आज के कंपेरिजन में। ओवरऑल पूरे सोलर सिस्टम का 99% से ज़्यादा पार्ट है सन, तो वहाँ साइज के हिसाब से उसका जो प्रेशर है वहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर ऐसा है जिसमें जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ये फ्यूज़न वहाँ आराम से हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, और इससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके जस्ट अलग है, उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। तो अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था वो ये था कि दो लाइट न्यूक्लियाई थे, वो आपस में टकरा रहे थे, टकराने के बाद एक और न्यूक्लियाई बन रहा था, खूब सारी एनर्जी निकल रही थी। इसमें इसका अलग क्या है कि इसमें हैवी न्यूक्लियस है। कैसे न्यूक्लियस है, इसमें हैवी न्यूक्लियस है और इसमें ये आपस में नहीं टकरा रहे। क्या हो रहा है कि इसमें कोई एक न्यूट्रॉन टकरा रहा है, कोई एक न्यूट्रॉन टकरा रहा है, और न्यूट्रॉन के टकराने से ये क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है, बट जा रहा है कितने भागों में, 2 lighter nuclei, ठीक है, 2 nuclei में बट जा रहा है। जो एक ये हैवी न्यूक्लियाई था ये 2 nuclei में बट रहा है, और दोनों का जो मास है वो कंपेरेबल सेम है लगभग, ठीक। तो इस रिएक्शन को, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या है कि इनको जो हम लोगों के प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं फिजन फ्रेगमेंट। जो एक न्यूक्लियाई से एक न्यूट्रॉन टकराया, टकराने के बाद जो मटेरियल बने उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजन फ्रेगमेंट। और इससे फिर खूब सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, कुछ फास्ट न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं।
एनर्जी रिलीज हो रही है और फास्ट न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब ये फास्ट न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं कि अगले एटम से जाके टकराएंगे, है ना, फिर वहाँ पर यही प्रोसेस होगा, फिजन फ्रेगमेंट बने एनर्जी और फिर से कुछ न्यूट्रॉन्स निकले, वो न्यूट्रॉन आगे फिर से कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन बेसिकली हम लोग यूरेनियम 235 में कराते हैं। तो देखते हैं कि यूरेनियम 235 जो ये हमारा है ना, इसका फिजन होता कैसे है। अगर हम इसके एक न्यूक्लियस का फिजन कराएं तो कितनी एनर्जी निकलेगी। ठीक, तो है क्या कि जो हम लोगों से अर्थ से निकल रहा है यूरेनियम, उसमें दो आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स हम लोग उनको बोलते हैं, आइसोटॉप्स किसको बोल रहे हैं, इनको देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो अलग अलग है, तो ये आइसोटॉप्स हैं। और इसमें जो काम की चीज़ है वो क्या है, वो यूरेनियम 235 है। ठीक है, लेकिन रेशियो उल्टा है, जिस जो ज़्यादा काम का है वो कम है, यानी ये इसका जो रेशियो है वो 145:1 है, यानी यहाँ पर 238 का रेशियो ज़्यादा है और 235 का रेशियो कम है। ओके, फिर क्या हो रहा है, वैसे तो 238 में भी फिजन पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए करना है क्या है, इसके लिए फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। अब फास्ट न्यूट्रॉन क्या है, फास्ट न्यूट्रॉन वो चीज़ है जिनकी एनर्जी 1 MeV के बराबर हो। अब 1 MeV, फिर से वही प्रॉब्लम, इतनी एनर्जी अर्थ पे लाएं कहाँ से। ठीक है, तो ये जो फास्ट न्यूट्रॉन है जो फिजन है 238 के लिए कराने के लिए ज़रूरी है, ये नहीं मिल पाते आसानी से। तो फिर क्या हो रहा है कि जो हम लोग पास दूसरा वाला आइसोटॉप है इसका 235, ठीक है, इनका जो फिजन है वो स्लो है ना। इवन थर्मल न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इतनी कम 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी है, ऐसे न्यूट्रॉन भी अगर 235 यूरेनियम से टकराते हैं तो ये जो फिजन है वो हो जाता है, नाभिकीय विखंडन हो जाता है। ठीक, वो जो फिजन रिएक्शन का एक एग्जांपल है वो इस तरह से है कि हम लोगों का जो यूरेनियम 235 है इससे एक न्यूट्रॉन टकराया। ठीक है, टकराने के बाद एक इंटरमीडिएट रिएक्शन में हमको 92 यूरेनियम 236 बना, और ये जो 236 है, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, पहला पार्ट हो गया Ba 141 और दूसरा पार्ट हो गया Cr 92। साथ में क्या मिला, साथ में फिर से वही तीन न्यूट्रॉन और खूब सारी एनर्जी, है ना। तो एनर्जी और न्यूट्रॉन, अब ये न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, अगले एटम से टकराएंगे, फिर से ऐसे ही दो फिजन फ्रेगमेंट बनेंगे, खूब सारी एनर्जी निकलेगी। ठीक, तो ये कंटिन्यू ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, इस तरह से देखो, ये यूरेनियम 235 था, ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक, Bm 141 में और क्रिप्टॉन Kr 92 में, इससे फिर तीन न्यूट्रॉन निकले। इन्होंने क्या किया, अगले एटम से इंटरेक्ट किया, ठीक है, फिर से यही दो पार्ट में डिवाइड, फिर से न्यूट्रॉन निकले। अगर हम लोग पार्ट वाइज देखें तो पहले बार में एक न्यूट्रॉन था, एक बार रिएक्ट हुआ, तीन न्यूट्रॉन मिल गए, अगले तीन को उन्होंने इस तरह से पार्ट में डिवाइड किया, उनके साथ फिजन हुआ, फिर कितने मिल गए न्यूट्रॉन, तीन के साथ मिलेंगे 9, इस बीच में भी यहाँ पर भी न्यूट्रॉन मिलेंगे इस वाले रिएक्शन में, तो नेक्स्ट में 9 हो गए। अब इसी के अगले स्टेप में कितने मिलेंगे, इसका 3 times यानी 27, फिर उसके नेक्स्ट में कितने मिल गए, 81। तो ये एक तरह से चैन रिएक्शन है, बढ़ती चली जाएगी और विद इन फ्यू सेकेंड में ये पूरा जो मटेरियल था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है यूरेनियम 235 के फिजन। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये तो प्रोसेस था कि कैसे होती है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये देखें, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिजन, अगर एक न्यूक्लियॉन का फिजन कराते हैं तो 0.9 MeV एनर्जी निकलती है पर न्यूक्लियॉन। ओके, अब हम फिजन करा किसका रहे हैं, हम लोग करा रहे थे यूरेनियम 235 का, उससे इंटरेक्शन था एक न्यूट्रॉन का जो कि बन गया था यूरेनियम 236। अब यूरेनियम 236 है तो इसमें कितने न्यूक्लियाई हो गए, इसमें न्यूक्लियॉन्स हो गए 236। एक न्यूक्लियॉन से कितनी एनर्जी निकल रही थी, 0.9 MeV, तो टोटल यूरेनियम 236 से कितनी एनर्जी निकली, वो हो गई 221 MeV, या इसको लिख सकते हैं 3.2 × 10⁻¹⁻ जूल। ये सिर्फ एक एटम से निकलने वाली एनर्जी है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि 1 ग्राम अगर यूरेनियम हमको मिल जाए तो फिर कितनी एनर्जी निकलेगी। तो 1 ग्राम के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं 1 ग्राम में एटम कितने होंगे, है ना। तो 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियस होंगे, तो हमने इस तरह से ये एवोगाड्रो नंबर और अपॉन 236, ठीक, ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 2.56 × 10⁻²⁰ एटम्स हो गए 1 ग्राम यूरेनियम में। ओके, अब
यूरेनियम के एटम में कितनी एनर्जी निकलती थी, 3.2 × 10⁻¹⁺ जूल, ठीक है। तो इतने में कितनी निकलेगी 1 ग्राम यूरेनियम में, तो 1 ग्राम यूरेनियम में एनर्जी जो निकलेगी वो 8.2 × 10⁻¹⁰ जूल निकलेगी। अब ये जो 8.2 × 10⁻¹⁰ जूल एनर्जी है ये किसके बराबर है, देखिए ये इक्विवेलेंट है एक्सप्लोजन ऑफ 20 टन TNT। TNT समझ रहे हैं ना, ट्राइनाइट्रोटालोइन, जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक मटेरियल है। अगर 20 टन का विस्फोट कराया जाए फिर जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से मिल रही है। या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी में बनाएं, है ना, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस करी जा सकती है, 2.28 × 10⁴, है ना, किलोवाट आवर्स, इतनी एनर्जी 1 ग्राम यूरेनियम से हम लोग बना सकते हैं। तो ये था कि हम लोग कितनी न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी निकल रही है उसको हम लोग कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल था ये कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितनी एनर्जी निकल रही है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ये चैन रिएक्शन थी, तो चैन रिएक्शन होती कितने टाइप की हैं, तो चैन रिएक्शन होती हैं 2 टाइप की। पहले को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन क्या होती है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने फिजन में देख रहे थे कि एक कोई न्यूट्रॉन था वो यूरेनियम के एक एटम से टकराया, टकराने के बाद उससे 2 अलग अलग फिजन फ्रेगमेंट बने, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर वो 3 अगले एटम से टकराए, फिर उससे 9 न्यूट्रॉन निकले, फिर वो अगले 9 एटम से टकराए, और ऐसे ही वो कंटिन्यूसली रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। और विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका फिजन बढ़ता चला जाएगा, और बिल्कुल थोड़े से ही टाइम में वेरी फास्ट तरीके से ये जो मटेरियल है फ्यू मोमेंट में ही पूरा फ्यूज हो जाएगा, पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं अनकंट्रोल रिएक्शन। रिएक्शन इसको हम कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। अब यूज को तो हम बम को भी यूज करना ही कहते हैं, ये एक तरह से न्यूक्लियर बम का एग्जाम्पल है कि जहाँ पर हम लोग फ्यू मोमेंट में, फ्यू सेकेंड में क्या करें कि उस पूरे मटेरियल को जला के एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, उसको फ्यूज करके रिएक्शन करा के एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसी चेन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, जो न्यूक्लियर बम जो है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जांपल है, ओके। एक दूसरे टाइप की चेन रिएक्शन है जिसका नाम है कंट्रोल चेन रिएक्शन। अब ये कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या है कि इसी रिएक्शन को हम कंट्रोल करें कि एक बार में जैसे एक न्यूट्रॉन ही आगे बढ़े और जो कंटिन्यूसली ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहे और जो हम लोगों को एनर्जी मिल रही है ना, जो फिजन रेट है वो रिमेन कांस्टेंट रहे। उसमें फिजन रेट क्या था, रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, एकदम बहुत सारी एनर्जी निकल जा रही थी और वो एक तरह से एक विस्फोट का फॉर्म ले रही थी। यहाँ पर क्या है, एनर्जी निकल रही है एक बिल्कुल कांस्टेंट वे में, उस एनर्जी को, उस रिलीज एनर्जी को हम लोग किसी अपने यूजफुल वे में यूज कर सकते हैं। या तो हम लोग उससे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएं और उस रिएक्टर की से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, या हम लोगों की जो सब मैरीन्स होती हैं, पनडुब्बी होती हैं, वो भी न्यूक्लियर होती हैं, वहाँ पर भी इस एनर्जी को यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल चैन रिएक्शन। वैसे ही समझिए जैसे हमारे घर में एक गैस का सिलेंडर होता है, उसको धीरे धीरे खोल के हम लोग महीने भर उसको यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गई कंट्रोल चैन रिएक्शन कि हम उसको धीरे धीरे जला रहे हैं, उसी को एक साथ आग लगा दीजिए तो वो विस्फोट हो गया, तो वो क्या हो गया, अनकंट्रोल चैन रिएक्शन। सेम यही प्रोसेस है कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फिजन रेट को कांस्टेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी एनर्जी को अपने किसी यूजफुल पर्पज में यूज कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इसका ये एग्जाम्पल है, जहाँ पर एनर्जी हम लोगों को धीरे धीरे मिलती है जिसको हम लोग कई यूजफुल पर्पज में यूज करते हैं, ठीक। तो ये 2 टाइप की चैन रिएक्शन थी, कंट्रोल चैन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल चैन रिएक्शन। इसी का एग्जांपल जो है कंट्रोल चैन रिएक्शन का वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का एक जनरल फॉर्म, जो जनरल बेसिक डायग्राम था, उससे हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या कर रही है, सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल चैन रिएक्शन करा रही है ना, अपने से ही उसमें कैसी चैन रिएक्शन हो रही है, सेल्फ सस्टेनिंग, एक कांस्टेंट फॉर्म में उससे एनर्जी निकल रही है उस रिएक्शन से, ठीक है, और जो भी फिजनेबल मटेरियल है उससे, ठीक। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एनर्जी को हम लोग मैनी यूजफुल पर्पज में यूज कर रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली हम जब इसको यूज कर रहे हैं तो अब तो इलेक्ट्रिसिटी ही हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर उसको अलग अलग पर्पज में यूज करते हैं, ठीक। ये एक बेसिक जो हम लोगों का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका ये डायग्राम है, रे डायग्राम है, इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसमें क्या, फ्यूल एलिमेंट। अब ये फ्यूल एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, जिस फ्यूल को जला करके हम एनर्जी बना रहे हैं, जिसका फिजन हो रहा है। तो ये जो येलो कलर की लाइन्स ये देख रहे हैं आप, ये फ्यूल एलिमेंट है और ये यूरेनियम 235 की रॉड्स है, ओके। फिर क्या है, इनके बीच में
लगे हुए हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को से जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्पीड को कम कर दे रहे हैं। कम करने से क्या हो रहा है कि जो फिजन रेट है वो कांस्टेंट रहे। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड वैसे समझिए जैसे रेगुलेटर होता है किसी चीज़ का। तो रेगुलेटर क्या बता रहा है कि जितनी ये रॉड अंदर रहेंगी इस रिएक्टर के उतना ही रिएक्शन कम होगा, जितनी ये रॉड बाहर रहेंगी उतना ही रिएक्शन का रेट ज़्यादा रहेगा। तो कंट्रोल रॉड क्या कर रही है, इसके रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंक्रीट सीड। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिके में, तो हम लोगों ने जाना था कि जो गामा डिके होता था उस गामा डिके से क्या हो रहा था, खूब सारी एनर्जी हार्मफुल रेज निकल रही थी। उनको बचने के लिए हमको कंक्रीट की वॉल चाहिए, ये दीवार चाहिए, ये जो बनी हुई है ये कंक्रीट सीट है, ये जो वहाँ पर आसपास लोग काम कर रहे हैं उन पे कोई इसका असर ना आए, है ना। नहीं तो इस गामा रेस से कैंसर जैसी चीज़ें बड़े आराम से बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या है, ये कंक्रीट सीट जो है वो है। फिर क्या है, स्टील प्रेशर वेसल। ये देखिए क्या है, ये इस तरह का जो ये ओवरऑल ये है, ये स्टील वेसल है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है, खूब सारी एनर्जी जनरेट हो रही है। अब उस एनर्जी को वो प्रेशर के फॉर्म में उसी में रखे, है ना, बाहर उन्हीं बे से जाए जहाँ से जाना चाहिए, ये वो वेसल है। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, इससे कनेक्ट है ये जिसको हम लोग कहते हैं स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर क्या है, ये बाहर वाला, ये स्टीम जनरेटर है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक कूलेंट है, इस कूलेंट को इस पंप के थ्रू इसके अंदर ऐसे डाला जा रहा है। इसमें ठंडा कूलेंट इसमें एंटर हुआ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, है ना। उस हीट एनर्जी को इस से वो गर्म हुआ कूलेंट और हॉट कूलेंट वापस से इस स्टीम जनरेटर में आ गया। अब इस स्टीम जनरेटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। अब स्टीम जनरेटर में हो क्या रहा है, इस ये स्टीम बना रहा है। अब स्टीम किसको बना रहा है, वाटर को। तो वाटर में क्या कर रहे हैं कि ये जो वाटर है वो इस पंप के थ्रू अंदर हम लोग इसके भेज रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही ये वाटर इसके अंदर जा रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टीम जुड़ा है एक एक टरबाइन से जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट से हमने कनेक्ट कर रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं, एक बेसिक रे डायग्राम था न्यूक्लियर रिएक्टर का। एक एक बार हम लोग फिर से सारी चीज़ों को देखते हैं। इसमें पहली चीज़ क्या मिली थी, इसका नाम था फ्यूल। फ्यूल क्या है, एक फिजनेबल मटेरियल है, है ना, इसको हम लोग फ्यूल बोल रहे हैं। यानी यूरेनियम 235 जो है, है ना, ये जो है वो फिजनेबल मटेरियल है, यहाँ पर हम लोग एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमको मिली थी मॉडरेटर। अब मॉडरेटर क्या कर रही थी, मॉडरेटर जो कर रही थी वो जो कोलिजन बिटवीन न्यूक्लियाई था, है ना, उनको कम करने के लिए, उसमें कम कोलिजन हो, है ना, एक कांस्टेंट वे में एनर्जी मिले, तो वो क्या कर रही थी कि स्लो डाउन कर रही थी न्यूट्रॉन की स्पीड को। ये होता क्या है मॉडरेटर, तो वेस्ट मॉडरेटर जो है वो हैवी वाटर है, है ना, ग्रेफाइट है। ठीक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो मॉडरेटर है वो हैवी वाटर को माना गया है, है ना, यानी हैवी वाटर इज़ द वेस्ट मॉडरेटर। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक पार्ट हम लोगों ने देखा था जिसका नाम था कंट्रोल रॉड। अब कंट्रोल रॉड का क्या काम था, न्यूक्लियर रिएक्टर की जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये क्या कर रही थी, या तो ये कैडमियम की होंगी या तो ये बोरॉन की होंगी, और ये क्या कर रही हैं, विच आर यूज टू कंट्रोल द फिजन रेट इन द रिएक्टर। फिजन रेट को कंट्रोल कर रही थी कि हमको कितनी एनर्जी किस रेट में निकलनी है, और ये कहाँ फिक्स होती हैं, दीज आर फिक्स इन द रिएक्टर वॉल, ये रिएक्टर की वॉल में फिक्स होती हैं। नेक्स्ट जो है वो कूलेंट है। अब कूलेंट क्या कर रहा था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एनर्जी थी, इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर जो एनर्जी थी उसको बाहर निकाल रहा था। ठीक, तो उसको हम लोग कूलेंट बोल रहे थे। ठीक है, कूलेंट के तौर पर हम लोग या तो एयर को यूज करते हैं, या वाटर को यूज करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ओके, कूलेंट का क्या काम है, ये जो रिएक्टर से रिलीज हो रही है एनर्जी उसको बाहर निकालने का काम कर रही थी। जो नेक्स्ट है वो था सील्ड, जिसको हम लोगों ने कंक्रीट सील्ड बोला था। ये क्या कर रही थी, वेरियस टाइप ऑफ इंसेंट रे जो थी इमिटेड फ्रॉम द रिएक्टर, है ना, जो वहाँ के वर्किंग पीपल्स थे उनको हार्म ना पहुँचाएं, इसके लिए ये कंक्रीट की वॉल थी। नेक्स्ट जो हम लोगों का था जिसका नाम है सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस क्या है, उस फिगर में इसका नाम नहीं था। सेफ्टी डिवाइसेस क्या है कि इसमें कुछ रॉड लगी होती हैं, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, या तो कोई एक्सीडेंट हो या इमरजेंसी हो, है ना, तो ये स्पेशल सेट ऑफ कंट्रोल रॉड होती हैं, इनको हम लोग शट ऑफ रॉड बोलते हैं।
ये शट ऑफ रॉड क्या करती हैं कि जैसे ही इनको लगेगा कुछ इमरजेंसी है, न्यूक्लियर रिएक्टर अनकंट्रोल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये एंटर हो जाएंगी न्यूक्लियर के रिएक्टर के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो जाएंगी और क्या करेंगी, इमीडिएटली एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे उन सबको एब्जॉर्ब कर लेंगी। जैसे ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए, द चैन रिएक्शन स्टॉप इंटायरली, तो जो चैन रिएक्शन हो रही थी वो बंद हो जाएगी, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये थी हम लोगों की सेफ्टी डिवाइसेस। इनकी वर्किंग क्या है, ये कंस्ट्रक्शन था, तो वर्किंग कहाँ से शुरू हो रही थी कि जैसे ही हम लोग पुलिंग आउट कर रहे थे कंट्रोल रॉड को, वैसे ही उसमें रिएक्शन शुरू हो रहा था, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो स्टार्ट कर रहे थे फिजनिंग इन द यूरेनियम 235 न्यूक्लियाइज, दस द चैन रिएक्शन ऑफ फिजन स्टार्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों की थी न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। इसकी जो स्टीम है, जो इससे स्टीम निकल रही थी, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे थे, ओके। तो ये हम लोगों का था दूसरा पार्ट न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फिजन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर। थैंक यू वेरी मच।